Hello guys and welcome to Economics with SK. Well, इस वीडियो की यदि आप या इस टॉपिक के बारे में भी बात करूं कि इस टॉपिक के बारे में भी आप A to Z जानना चाहते हैं, आप कमर्शियल बैंक भी, सेंट्रल बैंक भी, मनी भी, बैंकिंग भी, सब कुछ, तो मैंने इसके लिए 5 वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वो 5 वीडियो मैंने अन अकेडमी में बनाए हैं और उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वो लिंक को देखें, ये जो डिटेल में देखना हो तो, नहीं तो देख लो इधर ही, ठीक है? तो फिलहाल हम इसमें जो ये मनी और बैंकिंग है तो इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है। देखिए, आप ये जानते हैं सेंट्रल बैंक यानी कि जैसे कि आरबीआई है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और कमर्शियल बैंक यानी जैसे कि एसबीआई है, एक कमर्शियल बैंक जो लोन देता भी है और पैसे एक्सेप्ट भी करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन जो है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उसको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, और ट्रिक मैंने बनाई है एलओसी फॉर बी2। एलओसी फॉर बी2 वो क्या है, छोड़िए, एलओसी फॉर बी2 ये अपना शॉर्ट कट है। इसे हम याद रखेंगे कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन है LOC B2। अब L स्टैंड फॉर लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी ये फाइनली लोन देने वाला कौन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेंट्रल बैंक है। C4 यानी कि C4 टाइप्स है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई मीन्स लोगों के पास कितना पैसा है एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो पैसे कम या ज्यादा करना सेंट्रल बैंक का काम है। जैसे कि सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ा सकता है, रेपो रेट बढ़ा सकता है, ये अपना आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई ये फंक्शन हुआ। क्लियरिंग हाउस, आपका हिसाब बैंक किसने किया, बैंक का हिसाब बैंकों की बैंक करेगी यानी कि सेंट्रल बैंक। करेंसी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी अथॉरिटी है, करेंसी प्रिंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक को ही, एक रुपए के नोट के अलावा जितनी भी सारी करेंसी है वो सबके सब सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है, हमें पता है अच्छे से। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन की करेंसी और सोने का एक रिजर्व होता है, या हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर ले, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो होता है वो रिजर्व का कस्टोडी जो कस्टोडियन है या जिसकी कस्टडी में है वो सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक के C4 फंक्शन होते हैं, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, क्लियरिंग हाउस, करेंसी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फाइनेंशियल रिजर्व। ओके, नेक्स्ट B2, बी फॉर बैंकर्स बैंक, बी फॉर बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का बैंक सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट अदर फंक्शन, राइट? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपको फॉर्मूला आपके काम में आ जाएगा, ठीक है? इन फंक्शन की डिटेल में भी आपको जाना है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, लीगल रिजर्व रेशियो है, तो ये सब के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए भाई किसी को जरूरत हो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की तो डिस्क्रिप्शन में जाए और ये 5 वीडियो सिक्वेंस से देखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।